हेलो गाइस, आज हम आए थे खेत पे ईख को पानी देने के लिए। अभी पाइपलाइन बिछाई है, अब जा रहे हैं इसको सही करने। ये बाइक खड़ी है, आगे जा रहे हैं शाहरुख भाई। मैं दिखाता हूँ ये कहाँ तक जा रही है, अंदर तक। पीछे वहाँ पे है कुआं जहाँ से पाइपलाइन आ रही है। और ताजी ताजी एकदम बेहतरीन ऑक्सीजन। और साइड में खेत भरा हुआ है ये भी पानी से। ये है हमारी एक अंदर जहाँ पे पाइपलाइन आके डाली है। बस लाइट का इंतजार है, लाइट भाग गई थी। जब हम आए थे घर से पाइपलाइन लेके, तो जब तो आ रही थी बट हमारे आते ही एकदम भाग गई। अब देखो किस टाइम पे आती है, अभी कुछ पता नहीं है। जैसे टाइम तो है 3:30 बजे के टाइम पर आएगी लाइट। बाकी अपडेट दूंगा आगे। इस अंदर से तो आपने देख ली, अब देखो लाइट आ गई है अभी बिल्कुल। वैसे 3:30 बजे का टाइम था बट अभी 2 बजे हैं, और 2 बजे लाइट आ गई है। अब चल के कुआं करते हैं स्टार्ट। शाहरुख भाई तार लगा रहे हैं कुएं पे और ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार तार डालने, उसके बाद तो फिर चलता ही रहेगा जब तक खेत भरेगा नहीं। मैं दिखा रहा हूँ, और हम भी चलते हैं तेज। देखो इतना पानी हुआ है कि गड्ढा भरा पड़ा है ये सब इस टाइम। और ये है ऑपरेटर, हमें इसकी लाइट का इंतजार है। अभी इसमें लाइट नहीं आ रही, तार हिलाए हैं। अभी नहीं आई ना, अभी कोई लाइट नहीं आ रही। चटकनी बंद करके देख, खोल कर आ गए। देख रही हूँ आया कैसी ना। लाल वाली आ रही है, लाल लाइट आ रही, लाल लाल वाली जल रही है। अब पीली लाल जल रही है। ये होने वाला है स्टार्ट। अच्छा अभी करता हूँ, ना देख पाती हूँ, मुझे देख रही हूँ दोबारा से, चेंज करके आऊँ। ये है ऑटोमेटिक और ये है मैनुअल। कर रहे हैं कोशिश, अगर ये चल के नहीं दे रहा यार। लाल लाइट चल रही है, बस चलो डिबिया ले ली। पर भी हमने सारी तिकड़म लगा के देख ली मगर ये हमसे न चला। गाइस पूरे 20 मिनट हो गए और हम इसकी पीली लाल में लगे हुए हैं। अभी वही है पीली लाल, गांव से चच्चा को बुला लाए मगर चच्चा सा भी नहीं चल रही है। तो कर रहे हैं आई एन आई हो रही है। बस सलमान ही नहीं होकर दे दिया, क्या हो सकता था चच्चा इसमें। नाराज हो गया तो मामला खराब हो जाएगा। लाइट तो सही लग रही है तीनों पे। लाइट तीनों कैसे आ रही है, चेक कर लियो। तो
ऐसा ना होता जैसे इससे ना चला के इससे चला रहे, वो जुगाड़ ऐसा ना होता। रात हो गया है सीन, लाइट हो गई है ख़राब, अब देखते हैं कब ठीक तक ठीक होती है। वही है। लो भाई इतने पानी पियो तुम, इतने होती है ठीक, इतने हम दिखाते हैं तुम्हें कुछ और। ये है बरसिंग, आपने तो देखा नहीं होगा तो हम दिखा देते हैं। यह है सरसों, अभी मैं दिखाऊंगा जिससे बनता है ना घर ईंटें, वो ईंटें कैसे बनती हैं। भट्टे की तरफ ही जा रहा हूँ मैं अभी, बस ये भरा हुआ है तो इसे पार नहीं कर सकते, तो घूम के जाना पड़ेगा पूरा। और अभी मैं आ गया मामा के खेत पे, ये मामा का खेत है पूरा जिसमें गेहूं लगे हुए, वहाँ तक सड़क तक बिल्कुल आखिर तक। बाकी व्यू वहाँ देख सकते हैं, क्या व्यू है, हल्की हल्की धूप लग रही है, मज़ा आ रहा है एकदम। लाइट के दो फेस ख़राब हैं, 2/3 इस टाइप का कुछ बता रहे हैं जैसे होता है। मुश्किल है जो ठीक है, बिना भरे ही घर जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। बाकी क्वालिटी तो बता सकते हो तुम भी लोग की कैसी आ रही है कमेंट में। मैं हूँ नया नया ब्लॉगर, मेरे 2-3 ब्लॉग और हैं जो मेरे शाहरुख भाई वाले चैनल में हैं, ये वाला ब्लॉग भी मैं उसी चैनल पे अपलोड करूँगा। तो मैं अपना वाला जो चैनल चला रहा हूँ वो सिर्फ शॉर्ट पे चला रहा हूँ, बच्चों की शॉर्ट्स होती हैं टॉयज़ की, उसका है शाहरुख भाई का, कल मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, तो उसी पे मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगा। ये सब हमारी ज़मीनें हैं, मतलब जो हमारे ख़ानदानी है उनकी सारी टोटल, ये वाली एक वो है ये हमारे सामने, ईंटें तैयार हो रही हैं, सब बिहारी लेबर सब ईंटें पात रही हैं। ये उतरना पड़ेगा नीचे, मैं देखता हूँ उतर के, इधर से उधर निकल जाएंगे सीधे खेत की तरफ को। पहले मैं यहाँ से उतर जाऊँ, काफ़ी गहरा है। ये पूरा ग्राउंड इन्होंने इसकी मट्टी उठा के एक सार कर रखा है, और इसी की मट्टी से ये ईंटें तैयार हो रही हैं आगे कच्ची, तो जैसे आटा सा गूंद लेते हैं ना उस टाइप की बना के, और सांचों पर भर के तैयार होती है। मैं अभी दिखाऊंगा, देखो आ जा रहा हूँ पहले, ये तैयार होती हैं सूखने के लिए, रख हुई हैं ये सारी, और ये बना रही हैं ऐसे। बाकी ये चच्चा का भट्टा है गांव के, जो वहाँ भी पे धान है फिलहाल गांव के, ये सब ये तैयार हो रही हैं सारी ईंटें जितनी भी हैं, इधर भी और बाकी अलग जगह भी तैयार हो रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ से उठ के जाएंगे सूखने के लिए, सूख के जाएंगी इसके अंदर, फिर लगेगी भट्टे को बंद करके आग, और ये लगभग 8-10 दिन तक चलेगा शायद, उसके बाद ही निकल जाएंगी। फिर दोबारा कंटिन्यू प्रोसेस, सब कुछ यही है, सारा सब यही पथरी यहाँ पे, ये ऐसे सूख जाती हैं गीली होके, ये सब तैयार हो रही हैं सारी कुछ। इन्होंने रिक्शा सा बना रखा है, देखो ये मिट्टी होती है कितनी टाइट मिट्टी है, जिस पे ये ट्रांसफ़र करते हैं मिट्टी को, सर से उधर ये सब मिट्टी बना के रख लिए ढक के, सूखे नहीं।
अभी शाहरुख भाई कर रहे हैं वहाँ पे हैं कुएं पे सामने, लाइट का इंतज़ार अगर ठीक होती है तो। बाकी लाइट लगी है इस भट्टे पर जो हम वहाँ से देख रहे हैं, हिला के लाइट आ रही है नहीं आ रही है। सामने बल्ब लगा हुआ है इस पे बिल्डिंग पे, ये पानी के लिए इन्होंने बड़ा बना रखा है बोरो वहाँ से वहाँ तक, किसे किसे पानी देना है किस क्या सूख रहा है। थक गया यार मैं काफ़ी, काफ़ी लंबा राउंड हो गया इधर का, चलो मैं चढ़ जाऊँ पहले। सब टायर जा रही है वहाँ से, सब ढोल पे सी टायर आ रही है, एक समर से भी लिया है छोटा, शायद इसमें लगेंगे गेहूँ तो इसके लिए जुताई हो रही थी अभी हम जब आए थे। होप समझ गए होंगे आपकी ही तो कैसे तैयार होती हैं, देख ली होंगी। बाकी मैं कभी दिखाऊंगा प्रोसेस पूरा, रोज भाई के भट्टे पे जाऊंगा तो। बाकी देख सकते हो अभी शाहरुख भाई और चचा वहाँ पे इंतजार में खड़े हैं, लगता है राय मुश्किल ही है, घर ही जाना पड़ेगा लौट के, और ये जो रायता फिर आया था सब समेटना पड़ेगा दोबारा, पाइपलाइन सारी बना के रखनी पड़ेगी और यहीं रख के जानी पड़ेगी, फिर कल आना पड़ेगा यहाँ तक। अगर नाइट में भरेंगे तो फिर मैं बता दूंगा, देखूंगा ब्लॉग अगर बना पाऊंगा तो। बट यहाँ पर चार्जिंग का पॉइंट वॉइंट कुछ है नहीं तो फ़ोन भी डाउन है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं पूरा राउंड लेके घूम के फिर दोबारा से आ गया कुएं पे ही, चलो बाकी अपडेट में देता हूँ। फाइनली 356 हो रहे हैं और ये ऑटोमेटिक चल गया, लाइट सही हो गई, अब देखो पानी आने वाला है सारी भर जाएगी एकदम, अल्लाह तेरा शुक्र है आगे तो गई, बस आने ही वाला है कुछ देर में पानी यहाँ से, तो सब कुछ हो गया। जब से तो लाइट थी ख़राब अब आई थी एक मिनट के लिए और ये चला था और फिर दोबारा से बंद हो गया, आज लग रहा नसीब ही ख़राब है हमारा। रात के बज रहे हैं 2, लाइट आ गई थी शाम 10 बजे, मैंने भी सोची साली भर के जाऊंगा जब आया हूँ तब भरते, अब मुलाकात होगी अगले ब्लॉक में। आप देख सकते हो धुआं मेरे मुंह से कितना जानदार निकल लिया, जगह भी सिगरेट मारी मैंने एक, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो और बताओ प्यारी प्यारी कमेंटों में ब्लॉग कैसा लगा तुम्हें। चलो अब मुलाकात होगी कल, इस टाइम रात के हुए हैं 2 बज रहे हैं रात के, अब भर के जाएंगे।